कंडीशंस कैसे इस्तेमाल करो। तो यू नो कंडीशंस तो आप जानती हैं कि कंडीशंस क्या होता है। अब बात करते हैं कि कंडीशंस को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को चेक कर ले और चेक करने के बाद फिर हम उस चीज को अप्लाई करें, इसको हम कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, तो कंडीशन इस चीज को कहा जाता है। तो चलिए कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं, हाँ गौरव जी स्पैम में चेक कीजिए ना, स्पैम में स्पैम बोल रहे में चेक कीजिए ना, उसमें आया होगा। मैं पहला मैंने स्पैम में चला जाता तो अब जैसे कि मुझे इस करना है कि जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूं, अगर नेम ब्लैंक है तो हमें आगे नहीं प्रोसेस करने दे, वहीं से एग्जिट। ठीक है, तो ये चीज मुझे पहले करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे, सिंपल लगेंगे कि इफ कौन है आपका B3, यहां देंगे कि रेंज B3 डॉट वैल्यू। रेंज B3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0 दैट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैक्रो को स्टॉप करना है। तो यहां पे कंडीशन दे देंगे हम कि एग्जिट सब। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट कंडीशन। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। नहीं गलत, समझे सर, कि सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट इसको बोलते हैं। कि आपके पास एक ही कंडीशन हो और उस पर एक ही रिजल्ट हो, तो आप इस तरह से इफ कंडीशन लगा सकते हो। अब मैं जैसे यहां पे मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया दिल्ली और यहां पे अमाउंट लिख देता हूं, और नेम ब्लैंक है तो भेजने ही नहीं देगा, देखिए नहीं गया ना क्या। तो ये सिंगल रिजल्ट है, सिंगल रिजल्ट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं एक पॉपअप दे, एक मैसेज दे, तभी तो पता चलेगा यूजर को कि डेटा गया कि नहीं गया। अभी तो पता नहीं चल रहा है ना कि दूसरे शेड में डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ। क्या प्रभुदेव जी, रोहित जी, ये तो डेटा सेव नहीं हो रहा है, लेकिन कंफर्मेशन कहां मिल रहा है। तो हमें कंफर्मेशन भी तो देनी चाहिए, मतलब कि एक कंडीशंस है और दो रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है कि मैक्रो को स्टॉप करना ताकि नीचे का कोड जो है वो वर्क ना करे, ये जरूरी है। क्योंकि नीचे का कोड अगर मान लो कि पॉपअप दे ही रहा है और नीचे का कोड वर्क कर गया, तो फिर फायदा क्या है। तो मुझे एग्जिट सब करना पड़ेगा ताकि मैक्रो वहीं से एग्जिट हो जाए। मैसेज बॉक्स में आना है, मैसेज बॉक्स में आए पॉपअप दे, तो उसके लिए फिर मुझे यहां से तोड़ना पड़ेगा और एग्री सबसे ऊपर देना पड़ेगा। कि एग्री सबसे नीचे मैंने दिया तो नीचे वाला कोड वर्क ही नहीं करेगा ना। मान लो कि मैंने मैसेज बॉक्स जो है नीचे दे दिया, तो यही पे मैक्रो खत्म हो जाएगी। क्योंकि एग्री सब का मतलब क्या होता है, मैक्रो को एंड कर दो, खत्म करो, मैक्रो मैंने आगे प्रोसेस फॉलो नहीं करने। तो यहां पे होगा MSG बॉक्स कि योर डेटा, सॉरी यहां पे आप प्लीज एंड मी। ठीक
ठीक है। और जब जैसे आप माने कि जब आपका जो ये है मतलब कि सिंगल कंडीशन, सिंगल रिजल्ट्स के अलावा सिंगल कंडीशन और मल्टीपल रिजल्ट हो, तो जैसे लाइन बाय लाइन हम अपने रिजल्ट्स को लिखेंगे और फिर लास्ट में हम देंगे एंड इफ। एंड इफ देना जरूरी है कि कंडीशन फॉलो करने के बाद किस किस काम को करना है वो इफ और एंड इफ के बीच का होता है, राइट। अब क्या होगा कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा पूछेगा प्लीज एंटर द नेम, क्योंकि इस पे हमने नेम एंटर नहीं किया हुआ है। अगर नेम एंटर कर दिया तो फिर वो एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा और यहां पे देखिएगा कि मेरे सेकेंड सीट में इसने भेज दिया, राइट। अब इसमें मुझे मल्टीपल कंडीशंस लगाने हैं। मैं चाहता हूं कि ये नेम, सिटी, अमाउंट किसी भी कॉलम में किसी भी तरह की एंट्री ना कर, मतलब कि ब्लैंक हो, तो आगे प्रोसीजर को फॉलो ना करें, राइट। तो कंडीशन आपकी रिक्वायर इसमें क्या है कि इसमें जो है कि तीनों में से किसी में एक में खाली हुआ तो इस एग्जिट सब को फॉलो करें। तो यहां पे हम देंगे और, इसमें वर्डर फॉलो कर सकते, नीचे एक लाइन है B6 B3 B6 B9 डॉट। हाँ, यहाँ पे हम और के कंडीशन लगाएंगे, और रेंज B6 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, और फिर और रेंज B9 डॉट वैल्यू इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि अब मान लीजिए कि मैंने ऊपर नेम तो लिख दिया कि नेम पूजा, हमने सिटी छोड़ दी और अमाउंट को हमने लिख दिया, तो अब भी एंट्री नहीं करेगा। प्लीज एंटर, यहां पर भी एंटर नेम आ रहा है, तो अपना यहां पे आप कुछ और नेम दे सकते हैं, ठीक है। सर यहाँ तो एंड लगना चाहिए ना, एंड को लगेगा, तो कंडीशन तीनों के लिए ना, कि तीनों में से एक भी खाली हो तो। तो तीनों में से एक भी खाली हो, तीनों खाली नहीं है ना, जी, एंड लगाएंगे हम तो क्या होगा, तीनों खाली। देखिए कंडीशन उल्टा है, आप जो एंड की बात कर रहे हो ना वो कब होगा, जब इसको मैं फॉल्स में रखूंगा, ठीक है। ओके इसको फॉल्स में रखा और मैंने बोला कि यहां पे एंड इफ एल्स में, सॉरी एल्स, और फिर यहां आएगा, फिर यहां पे एंड इफ होगा, समझ गए। देन यहां पे और होगा, एंड होगा कि दैट इज ग्रेटर देन 0, एंड उल्टा कंडीशन हो जाएगा ना, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एन लगेगा, सॉरी यहां पे अब एन लगेगा, समझे। जी रोहित समझ में आया, यस सर, तो हमने इसमें हमने कर तीनों कंडीशन दे दी, हाँ, हम लोग तीनों रहे में जब से हमने। तीनों कंडीशंस ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू टाइप होगी, समझ गए। जी और एल्स में अगर नहीं हुआ, एल्स कब लगाते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसी चीज हो, मतलब कि हमें, हम दो तरह से इसकी यूज करते हैं वीबीए में। एक होता है कि हमें चेक करना है कि ऐसा होगा तो ऐसा होने दें, ऐसा ना हो तो क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास नहीं, समझ गए। तो उस केस में जो है हम एल्स इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास एल्स का भी पार्ट होता है तो, और एल्स का पार्ट नहीं है तो हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि तो इसके आगे कंडीशंस जो है ना, तो इसलिए इतना एल्स का झमेला ना रखें हम, इसलिए हमने एग्जिट सब का पार्ट
प्रोसीजर अपनाया था, एग्री सबका प्रोसीजर इसलिए अपनाया था कि फिर सारे कोड को लेकर फिर एल्स पार्ट देने का जरूरत हमें ना पड़े, हमारा जो मैक्रो है छोटा हो जाए। तो हर चीज से हम सोचते हैं, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं क्या कोड होना चाहिए, राइट जी। तो इसमें और लगाने का फायदा क्या हुआ मुझे कि हमें इसको एल्स में रखने की जरूरत नहीं पड़ी और एल्स ही देने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो ये हो गया आपका, ये और आयाम समझ में आ गया। यूज कंडीशन में सारे और के बाद वो रेंज भी सिक्स वैसे सब लिखना जरूरी है। कंडीशंस आपको देना पड़ेगा ना, अब क्या करवाना चाहते हो? हम ये करवाना चाहते हैं कि इफ बोला हमने कि चेक करो कि मेरी क्या मतलब, एक मिनट कौन बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं समझ पाया। प्रभुदेव। हाँ प्रभुदेव जी, क्या है ये जो आपका ये है कि हमें क्या करवाना क्या है, हमें करवाना है कि हर सेल में जितने भी सेल हम जो फॉर्म के जरिए भेज रहे हैं, हर फॉर्म को चेक करेगा कि कौन से मतलब कि सेल वैल्यू ब्लैंक है। जो ब्लैंक है, अगर कोई ब्लैंक मिलता है जी, तो फिर आगे प्रोसेस को फॉलो ना होने दें। इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा तीनों के लिए। हाँ। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या हम कि रेंज में B3, रेंज में B3 कॉमा B6 कॉमा B9 को एक साथ मर्ज करके डॉट वैल्यू दे दें? नहीं क्या इसको? नहीं नहीं मर्ज नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं समझे, ये जो मल्टी सेल सिलेक्ट करते हैं तो मल्टी सेल सिलेक्ट में हम एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, एक वैल्यू ले नहीं सकते, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है ना, तो एक वेरिएबल पे एक जगह एक ही वैल्यू कैरी करेगा ना आप जो है, मतलब कि हम एक साथ सिलेक्शन है मान, इस सिंपल से बात समझिए, ये हमारा डेटा है तो हम कॉपी करके एक सारे जगहों पर हम पेस्ट कर सकते हैं ना, राइट। अब मान लीजिए कि अगर हमने कुछ पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ भी हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम मल्टीपल सेल्स को कॉपी करके, जैसे मैंने मान लिया कि इन तीनों को कॉपी करके एक पर्टिकुलर एरिया में पेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। नो, नहीं नहीं, नहीं। सेम प्रोसीजर यहाँ होता है कि आपको ये जो फीचर्स है उसको ए वन बाई वन कर सकते हैं, रेंज जो भी देनी होगी वन बाय वन देनी होगी। हाँ राइट। ओके सर। ठीक है। आगे बढ़े सर। आगे मैं डुप्लीकेट एंट्री का भी एक कंडीशन लगा सकता हूँ। हाँ वो सब लगा, अभी लगाएंगे तो धीरे धीरे कर रहे हैं ना, तो आगे बढ़े इसमें।
अब दूसरा मुझमें इसमें यह आता है कि ये तो हमारा इफ कंडीशंस आ गया, ठीक है, इफ कंडीशन में आपको हमने एल्स सिंपल इफ सिखा दिया। अब दूसरा यहां में पार्ट आता है कि अगर सिटी, अब यहां पे हम सिटी एंट्री कर रहे हैं B6 से, हम चाहते हैं कि सिटी ऐसे एंट्री ना हो, सिटी के बाद एक कॉलम मैंने ले लिया एरिया का, जोन इसको बोल सकते हैं जोन, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर दिल्ली का हुआ तो हम इनहाउस देंगे, ठीक है, इनहाउस जोन, अगर दिल्ली का नहीं हुआ तो इनहाउस जोन नहीं देंगे। राइट तो इसके लिए हम यहां क्या कोड लिखेंगे, देखिए, इफ सिटी मतलब कि सिटी जाएगा रेंज B6 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, नहीं ग्रेटर 0 नहीं, इक्वल टू दैल्यू। अभी ध्यान रखिए, अब यहां पे दिक्कत आ गया, दिक्कत क्या आ गया, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है हमारा, तो मान लो कि यहां पे अगर दिल्ली इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैच कर लेगा, लेकिन दिल्ली अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमारा VBA मैच नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में मैं इसको लोअर में लिखता हूं और जो B6 की डॉट वैल्यू है उसको अपर केस में कन्वर्ट या लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हूं। एल केस फॉर्मूला होता है कि VBA के अंदर किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में, यू केस अपर केस में कर सकते हो। तो अब यहां पे जो भी केस एंट्री हो वो लोअर में करके फिर लोअर लोअर मैच करेगा। अगर ऐसा हुआ तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं सी, यहां पे कि सी इक्वल टू इन हाउस और फिर एल्स और एल्स में हमने कर दिया सी इक्वल टू आउट है, जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। और फिर यहाँ पे ठीक है, और फिर इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहां पे सी कर देते हैं और यहां पे हम 3 कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, जब हम एंट्री करेंगे, जैसे हम एंट्री किया, ओके किया, डेटा है सेव, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक करके यहाँ पे इनहाउस ने दे दिया, राइट। ठीक है सर, और
ओके सर। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक अमाउंट आ गया, तो यहां पे मान लो हम कमीशन देते हैं, तो कमीशन का एक स्लैब है हमारा। अब इसमें आपने सीख लिया विदाउट एल्स, आपने देख लिया एल से विदाउट एल से। अब बात करते हैं कि हम एल माने कि इसमें एल सिर्फ कब लगाते हैं। तो यहां पे हमने कमीशन दे रखा है, तो कमीशन मुझे इस तरह से देना है कि अमाउंट अगर 0 to 500 हुआ तो हमें इसमें 100 रुपए की कमीशन डाल दिया, राइट। एंड 501 to 1000 हुआ तो हमें 150 की कमीशन डालनी है, ठीक है। एंड 1001 to 1500 हुआ तो हमें इसमें 200 का, और ग्रेटर देन 1500 है तो हमें 500 का कमीशन देना है, राइट। तो हम चेक करवाना चाहते हैं इस वैल्यू को। तो प्रॉब्लम आ गया कि हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि एक हम अमाउंट ए इक्वल टू में यहीं पे रेंज B6 की वैल्यू स्टोर कर देता हूँ ए पे। अब कंडीशन लगाएंगे थोड़ा सा आसानी होगी। अब कंडीशन ये होगा कि इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 500 देन क्या हो जाएगा। अब देन यहां पे हम एक और कमीशन है तो सी ओ एम के नाम से बनाते हैं, सी ओ एम इक्वल टू 100। और फिर यहां पे देंगे एल्स एल्स इफ कि else if हमने यहाँ पे दे दिया कि a is less than equal to 1000 then com commissions equal to 150। तो अगेन else if देंगे a is less than equal to 1500, sorry else is because spelling mistake है, then commission is equal to 200 and else commission is 500। और लास्ट में ए इसको हम नेस्टेड इफ कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं। फिर आपने कमीशन लिखा है बार बार एक ही आपने कमीशन लिखा है, तो 100 कमीशन आपने जो लिखा है ना इसमें वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो वेरिएबल्स है नहीं, आपने कमीशन ऊपर सेम लिखा या कमीशन 1 कमीशन 2 कमीशन 3 होता नहीं क्यों नहीं ऐसा नहीं, हमें नहीं समझे इसमें से किस एक पे वीडियो अप्लाई होगा ना। अच्छा अच्छा मैं कंडीशन दे दी कि मतलब अगर वो कमीशन में ये वैल्यू दे दे अगर ये कंडीशन है तो। तो यहाँ पे कैसे चलेगा देखिए कि इफ अगर ए एबीसीडी जो है क्या है एक कॉम क्या है कमीशन मतलब कि हमने एक वेरिएबल ले लिया, ऐसे हम लोग लेते हैं ना मैथमेटिक्स में एक्स वाई जे ऐसे यहाँ पे इसको ले लिया होगा। उसके बाद हुआ कि इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 500 देन कमीशन इज 100, एल्स इफ अगर ए अगर लेस देन इक्वल टू 1000 तो कमीशन 150
else if अगर नहीं ऐसा भी नहीं हुआ तो क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि वैल्यू जो है अगर 500 से नीचे हुआ तो यहीं पे 100 आके इसको स्टॉप हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये 150 से नीचे हुआ तो सीधे कम यहाँ पे आ जाएगा, 1000 से नीचे हुआ तो 150 शो के इस आएगा सारा हट जाएगा। तो ये कहने का मतलब कि आगे प्रोसेस तब होगा जब उसको रिजल्ट्स फॉल्स में मिलेंगे, ठीक है। और फिर इस कमीशन को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सीए। ठीक है, फोर आना है। हाँ सॉरी, फोर आएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे इस पे हम मान लीजिए कि देते हैं कि पूजा, यहाँ पे देते हैं नीतू, नहीं सिटी पुणे कर देते हैं, और अमाउंट हम कर देते हैं यहाँ पे 1200। और जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हैव डेटा है सेव्ड एंड ओके, और डेटा में जाके देखिए 1500 इसका आ गया ना। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि मैं चाहता हूं कि अगर ऑलरेडी नेम अगर इसमें सेव्ड है तो डेटा को सेव करने ही ना देना, राइट। तो ये चीज हम इससे ऊपर लगाएंगे ताकि डेटा एंट्री ना हो यहाँ पे कंडीशंस में। तो सेक्शन बनाइए, एक कमीशन का सेक्शन है, एक कैलकुलेशन का सेक्शन है, एक डेटा असेंबली का सेक्शन है, तीन सेक्शन है इसके, तो इसमें डालेंगे। अब उससे पहले मुझे पता करना होगा कि ये नाम इसमें है कि नहीं, तो पता करने के लिए मैच है, वी लुकअप है, ऐसे फॉर्मूले है ना। लेकिन उससे अच्छा ये रहेगा कि यहां पर हम काउंट ही प्लग करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे पहले हम देते हैं मान लीजिए रिपीटेड आर इक्वल टू, अब क्या है काउंट, बहुत सारे एक्स्ट्रा के फॉर्मूले हैं जो कि सपोर्ट कर लेते हैं, जैसे ब्रैकेट लगा कर जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो उसके नीचे आपको जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन आएगा इट मीन्स कि वो आपका सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज आप इसको अगर कोई सपोर्ट ना करे, जैसे काउंट इफ की बात किया मैंने, काउंट इफ एक्सप्रेशन नहीं आया तो ये सपोर्ट नहीं किया इसने, ठीक है। तो यहां पे देंगे हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ एंड ब्रैकेट में देंगे हम रेंज कहां है हमको डेटा शीट के एक कॉलम में, तो यहां पे देंगे शीट्स, इसमें देंगे हम डेटा डॉट रेंज ए बाई ए डॉट नहीं वैल्यू नहीं माफ कीजिएगा कॉमा, ढूंढना किसको है तो रेंज बी थ्री डॉट वैल्यू, ओके। तो जो भी काउंट होगा आर पे डाल देगा। अब यहां पे हम कहते हैं कंडीशन की इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो देन मैसेज है एम एस जी बॉक्स की नेम ऑलरेडी स्टोर या कुछ भी दे सकते हैं, तो यहीं पे आप एग्जिट सब कर यहां पे, ठीक है, समझ गए सर कैसे हम डुप्लीकेट को रोकेंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पे दिया कि पूजा, हमने यहां पे दे दिया नोएडा और हमने अमाउंट दे दी 700, नेम हैज ऑलरेडी स्टोर। अब चले नहीं नेम पूजा भी दिखाएंगे, पूजा ऑलरेडी स्टोर, तो उसके लिए आप यहां पे
दे सकते हैं कि रेंज B3 डॉट वैल्यू कॉन्कटानेट कर दिया और इसमें स्पेस दे दिया। अब क्या होगा बताएगा कि पूजा नेम ऑलरेडी स्टोर, ठीक है। अब मानो पूजा नहीं है, मैं इसे आगे कर देता हूं पुनीत, तो एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, कर लिया। अब मैं अभी क्या हो रहा है कि जब हम सेंड पे क्लिक कर रहे हैं तो मैसेज भेजने का पॉपअप आ रहा है ना। मैं चाहता हूं कि मैसेज भेजने का पॉपअप ना आए, मैं चाहता हूं कि मैसेज भेजने का पॉपअप ना आए। कृष्णा ऐसा कैसे कर, अभी वो तो मैसेज ना आते तो अभी डेटा एंट्री का सेव कंफर्मेशन कैसे कर, मतलब कि मुझे पहले मुझे अब जब जब जैसे मैं फाइल क्लोज करता हूँ, मैंने कोई फाइल जब ने सेव नहीं किया और हम क्लोज करते हैं तो मुझसे कंफर्मेशन पूछता है यू वांट टू सेव, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ सेव करता हूँ, नॉट सेव पे करता हूँ तो नॉट सेव करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे जब डेटा सेव भी करते यस और नो पूछे या ओके पूछे कैंसिल पूछे इस तरह की चीजें मुझसे पूछे, ठीक है। ओके तो उसके सेंड का बटन दबाने से पहले सेंड का बटन, हाँ सेंड का बटन जैसे दबाओ तो मुझसे पूछे अगर मैं कंफर्म करूं, होता ना कभी कभी का अधूरा हुआ एंटर मर गया गलती से आप गया, तो उस चीजों को रोकने के तो उसके लिए हम मैसेज बॉक्स करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं एम एम कर देते हैं कि एम इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, अब यहाँ पे देंगे प्रॉम्प्ट कि डू यू वांट टू सेव डेटा, ठीक है। टाइटल यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे कॉमा करोगे ना तो पूछेगा कि बटन का टाइप क्या होना चाहिए, बटन का क्या टाइप होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि वीवी ओके कैंसल या ओके ओनली यस नो जो भी है, देखा आप यहाँ पे यस नो दे देता हूं। और फिर टाइटल में हम वॉच वीडियो पे चले जाते हैं, सॉरी टाइटल में हम जब यहां दे देते हैं कंफर्मेशन, ठीक है। तो यहां अब कंडीशन देंगे कि इफ एम इक्वल टू वी वी यस नो, सॉरी माफ कीजिए नो नो दैन दैन एग्जिट सिंपल दे दिया इफ, समझ गया। जैसे कि आप यस पे क्लिक करेगा तो वीवी पे वीवी यस होगा, यस पे क्लिक नहीं करेगा तो वीवी नो, इस तरह से समझ गए। अब यहां पे दीजिए, यहां पे दे दिया मैं नीड टू, हो गया नोएडा, अमाउंट यहाँ हो गया 700 और सेम डिवान टू सेम डेट, यस कहोगे तो जाएगा नो कहोगे तो नहीं जाएगा, राइट। तो समझ में आएगा आपको सर इसमें ये बताओ कि जो मैसेज बॉक्स का हमें ये वाला हमने यस देना है ये हम ऊपर, मतलब ये समझ नहीं आया कि यहीं क्यों दे रहे हैं ये वाला, मतलब
रेंज के वाले के बाद में कितने, पहले भी दे सकते हैं उसको हम? भी दे सकते हैं, लेकिन हमने क्या बोला कि हमने अपने पार्ट जो बीवी मैक्रो होते पार्ट बना लेते हैं, एक ये होगा कंडीशन पार्ट भाई, एक कंडीशन एक एक स्टॉपर हो गया, मैक्रो स्टॉपर बोलते हैं इसको, कि मैक्रो स्टॉप करेगा। यहाँ भी देखते हैं सब है कि ये सब होने के बाद ही मेन इनको फॉलो करेगा। तीन पार्ट हो गए, एक हो गया कंडीशन वाली पार्ट, दूसरा हो गया कैलकुलेशन वाली पार्ट, कैलकुलेशन हो गया, और तीसरा पार्ट हो गया इसको हम डेटा सेव कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का। तो ए एक कैसे होगा, पहले एक कंडीशन चेक करेगा, पहले चेक करेगा कि नेम है कि नहीं है, राइट, दूसरा चेक करेगा रिपीट है कि नहीं है, और तीसरा चेक करेगा कंफर्मेशन मांगेगा। तो पहले चेक करेगा, जब डेटा भेजने से पहले चेक करेगा ना, अब इससे फायदा ही होगा कि जैसे कंफर्मेशन का मैसेज बॉक्स आया, इसका मतलब है कि आपका वैल्यू रिपीट नहीं है, आपका वैल्यू ब्लैंक नहीं है। तो दो चीज तो आप समझ में आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है यहाँ, क्या कंफ्यूजन? मतलब क्लियर ही नहीं है, जैसे अभी पूछा है इन्होंने कि क्या कहते हैं, मतलब कि कैसे हम सीरीज, इसकी सीरीज कैसे जनरेट करेंगे, कि कौन सा हमारा मतलब जो इफ कंडीशन है वो पहले आएगी, या फिर जो हमने दिया हुआ इसमें मैक्रो ये मैसेज बॉक्स दिया हुआ है, कैसे मतलब हम इसे कैसे मतलब मैनेज करेंगे कि हमारा पहले आना चाहिए या वो एक्सेप्ट करेगा? सर आपका प्रायोरिटी होगा ना कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है। मेरी पहली प्रायोरिटी है कि नेम ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, नेम डालना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी है कि भैया नेम रिपीट नहीं होनी चाहिए। सर अब आ गया समझ में कि अगर ये तीनों अगर हमारे फिल है डेटा देन सेंड करें तो वो मैसेज बॉक्स आए, अदरवाइज तो नहीं आए। हाँ, तो आप प्रायोरिटी सेट करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कंडीशन कौन सी कंडीशन पहले होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन सेकंड होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन थर्ड होनी चाहिए। तो आपने सर एग्जिट सब का क्या बताया था कि क्या रीड करेगा ये? पहले पहले कौन सा एग्जिट सब? हाँ, आपने कहा था ना कि बाद में मतलब एग्जिट करने के बाद भी एग्जिट सब क्या करेगा कि यही में मैक्रो खत्म कर देगा, ये आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर मैं एग्जिट सब हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, फिर भी ये आगे वर्क करेगा, लेकिन अब वर्क नहीं करेगा। ओके ओके, मतलब अगर एग्जिट सब दिया हुआ है तो यहीं पे फिनिश कर देगा। हाँ, फिनिश कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। ओके, मतलब रीड ही नहीं करेगा इसको। ओके, समझ गए जी। तो एक कोड में भेज देता हूँ, फाइल ड्राइव में सेव है, ठीक है, ड्राइव में फॉर्म नाम का फाइल है, उसी फाइल से मैंने भेजा, उसी में एडिट किया मैंने। अच्छा, कोड में आप लोगों को भेज देता हूँ, आप ड्राइव से फाइल उठा लीजिएगा, और हम कल जो है इसमें और एडवांस कंडीशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नेस्टेड इफ वगैरह और सिलेक्ट केस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्म आप लोगों ने बनाया है उस फॉर्म पे इसको, इस सारे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके जी, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय।